वहां से भी भगवान का व्यू दिखता है मंदिर का। तो भाई यहाँ पे बंदर लोग से बच के रहना, पूरी जगह गणेश भगवान दिख रहे हैं मेरे को। तो आज पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा तेज लग रहा है, तो हम लोग ऊपर जाएंगे, यहाँ से ऊपर देखते हैं क्या है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो आज की जो राइड है संडे राइड, हम लोग जा रहे हैं बस्तर का ब्यूटीफुल वाटरफॉल तीरथगढ़। क्योंकि अभी बरसात हुआ है तो वहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। मैंने एक अपने दोस्त से पूछा था तो वो बोला कि आ जाओ यहाँ का एक व्लॉग बनाओ, और कमेंट में भी बहुत सारा आ रहा था कि भैया यहाँ का व्लॉग बनाओ। तो आज हम लोग संडे राइड पे तीरथगढ़ जा रहे हैं, उसका व्लॉग शूट करना है, मज़ा आएगा। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ तो वीडियो में बने रहो, देखो। होप करता हूँ कि बारिश ना आए आज, नहीं तो फिर पूरा वीडियो बना नहीं पाऊँगा। तो चलो वीडियो में बने रहो। तो भाई अभी हम लोग पहुँचे हैं बचेली, बचेली से निकलते हैं पेट्रोल वगैरह धरा के सीधा नॉन स्टॉप गीदम, फिर गीदम से निकलेंगे हम लोग आगे केशलूर। ये है बचेली का बस स्टैंड। आज बचेली एकदम शांत शांत लग रहा है, सुबह का माहौल है ना इस वजह से। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं बचेली से, अभी यहाँ से चलते हैं। पेट्रोल भी दला लिया मैं, बहुत भीड़ था सुबह ही सुबह, लेकिन मैं सोचा दला लेता हूँ, चलो तो दला लिया, टंकी भी फुल हो गई अपना। तो अभी निकलते हैं हम लोग सीधा तीरथगढ़ के लिए। तो भाई लोग अभी हम लोग पहुँच गए दंतेवाड़ा। जय माँ दंतेश्वरी, ये है दंतेश्वरी माता का टेम्पल। वहाँ से भी भगवान का व्यू दिखता है मंदिर का। पानी अभी भर चुका है यहाँ का। तो गाइस अभी हम लोग दंतेवाड़ा से निकल चुके हैं, अब यहाँ से सीधा नॉन स्टॉप जाएंगे हम लोग केसलू ढाबा, क्योंकि केसलू ढाबा से ही अपन को राइड कटना है। फिर वहाँ से 14-15 किलोमीटर के आसपास है तीरथगढ़ वाटरफॉल। तो गाइस अभी हम लोग केसलूर पहुंच गए हैं, यहीं से तीरथगढ़ 19 किलोमीटर है राइट साइड पे। तो अभी हम लोग एक ढाबा में ब्रेक लेंगे, और मेरा एक्शन कैमरा का भी बैटरी लो हो गया है, नहीं पता आगे का वीडियो दिखा पाऊंगा कि नहीं दिखा पाऊंगा आपको। तो चलो यहां से राइट लेते हैं और फिर ढाबा में थोड़ा आराम करते हैं और कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं ये वाले ढाबा में। तो भाई यहाँ पे बंदर लोग से बच के रहना, और यहाँ से सीढ़ी से उतरना है पूरा नीचे तक, वहाँ पे है शायद वाटरफॉल, दिख रहा है, दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है। चलो नीचे चलते हैं। नीचे चल के देखते हैं कैसा है। यार बहुत खूबसूरत लग रहा है यार यहाँ का वाटरफॉल, और बारिश है ना तो पूरा पानी भर भर के है। यहाँ का व्यू देखो, यहाँ से नीचे नीचे उतरना है। यहाँ पे बैठने बैठने का भी दिया हुआ है, सुविधा है यहाँ पे हर चीज़ का। और अच्छा है कि ज़्यादा चलना वलना नहीं पड़ेगा, सब लोग नीचे से एंजॉय करके आ रहे हैं। तो हम लोग भी चलते हैं नीचे, देखते हैं कितना भीड़ है। ये देखो यहाँ का व्यू बहुत ही तगड़ा लग रहा है। तो आज पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा तेज लग रहा है, मतलब बरसात आ गया है ना। वाओ बहुत ही सुंदर लग रहा है यार यहाँ का तो व्यू। अब आवाज़ क्लियर आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, क्योंकि पानी का ज़्यादा आवाज़ आ रहा होगा जोर से। फ़ोटो तो खिंचाना है, तो यहाँ फोटोग्राफर लोग अवेलेबल है जिसको फ़ोटो लेना है। तो
तो ऐसा है तीरथगढ़ का वाटरफॉल, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है बरसात के टाइम। चलो अभी आगे चलते हैं और व्यू देखते हैं कैसा है। तो गाइस यहाँ से व्यू देखो, ऐसा लग रहा है पूरा पानी हम लोग के ऊपर आ जाएगा यार, बहुत ही मस्त लग रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ से ऊपर भी जाएंगे, ऊपर भी कुछ है वहाँ से व्यू पॉइंट देखने के लिए, तो अभी हम लोग ऊपर भी जाके देखते हैं वहाँ से कैसा नज़ारा है। यहाँ सब लोग एंजॉय करने आए हैं बहुत। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, यहाँ से जाएंगे हम लोग अभी, चलो नीचे उतरते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से एंजॉय कर लिए हैं और अभी हम लोग ऊपर जाएंगे, यहाँ से ऊपर देखते हैं क्या है। तो चलो चलते हैं ऊपर, यहाँ से देखो पूरा खाई। यहाँ से ऊपर चेक करते हैं कैसा व्यू है। यहाँ मंदिर वंदिर है, तो यहाँ पे मंदिर वंदिर है दर्शन करने के लिए, बहुत ही शानदार जगह यार। तो यहाँ पे भगवान का मंदिर है, गणेश भगवान का, पूरी जगह ही गणेश भगवान दिख रहे हैं मेरे को तो। यहाँ पे छोटा छोटा मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करके आके आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ से पूरा वाटरफॉल बह करके नीचे जा रहा है, यहाँ से पूरा बह करके वो आगे निकल जा रहा है वाटरफॉल। तो चलो आगे देखते हैं आगे और कैसा कैसा व्यू है। यहाँ से ऊपर आने के बाद कुछ इधर से ऐसा व्यू पॉइंट है, आकर के यहाँ से व्यू का मजा ले सकते हो। यहाँ से और ऊपर चलते हैं थोड़ा, वो यहाँ पे एक और मंदिर है ऊपर पे, फिर वो लास्ट पॉइंट है, वहाँ से भी दिखाते हैं आपको यहाँ का व्यू। तो चलो तो यहाँ से ऊपर चलते हैं, ऊपर भी एक और मंदिर है, यहाँ पे बहुत सारा मंदिर है वाटरफॉल के पास, तो यहाँ भी दर्शन कर लो भगवान का। अब भगवान कौन से देवी देवता है नहीं पता, और फिर यहाँ से व्यू देखो। तो पूरा वाटरफॉल का असली मज़ा ये ऊपर से है, बहुत ही शानदार वाटरफॉल है यार यहाँ का। आओ जरूर आओ, बरसात में तो जरूर आओ। तो गाइज अभी हम लोग वहां का व्यू को कवर करके आए नीचे से, और यहाँ पे सीढ़ी है, सीढ़ी से ऊपर आने का रास्ता है, यहाँ पे सबसे ऊपर से आपको व्यू दिखेगा। तो वहां से आओगे तो आपको वहां पे मंदिर दिखेगा छोटा छोटा, वहां पे दर्शन कर सकते हो, फिर यहाँ का व्यू चेक करो, बहुत ही शानदार है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, और यहाँ से और आगे जाओगे ये पूरा वाटरफॉल दिखेगा, बहुत मस्त जगह है। और बारिश में तो बरसात में तो और भी चार चांद लग गया यहाँ का नेचर का।
इधर का व्यू को कवर कर लिए, अभी वापस से नीचे चलते हैं, फिर वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे अपने घर के लिए। तो यहाँ मंदिर है, मंदिर पे दर्शन कर लिए हम लोग, और वापस नीचे चलते हैं। बहुत ही मस्त जगह था, दिल खुश हो गया आके। फर्स्ट टाइम आया था, दोबारा फिर आऊँगा, लेकिन बारिश के टाइम में इसका व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। यहाँ देखो, हम लोग यहाँ से वापस ऊपर चलते हैं, वहाँ चल के कुछ खावा लेते हैं। इसको क्रॉस करके जाना है, थोड़ा देख के आना, स्लिप लिप बहुत करता है। यहाँ से चलते हैं ऊपर, एक बार लास्ट बार देख लो वाटरफॉल तीरथगढ़ का, बहुत मज़ा आया, सुकून था बहुत ज़्यादा। तो गाइज अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं लेह के, बहुत चढ़ना पड़ जाता है, थकान है बहुत ज़्यादा। ऊपर चढ़ोगे तो नीचे उतरने टाइम पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ऊपर आओगे तो हालत ख़राब हो जाता है। तो फाइनली हम लोग चल चल के अपने बाइक के पास आ गए, रेक्सा के पास। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं कहीं खाने के लिए ढाबा वहाँ पे, फिर निकलते हैं किरंदुल के लिए।